इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। अगर मगर और काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं। जिन व्यक्तियों की ज़िंदगी में अगर मगर और काश आ गया, वह व्यक्ति कभी खास आदमी नहीं बन पाता। लेकिन जिस व्यक्ति ने ठान लिया, जिस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित है, मंजिल उसका कदम चूम ही लेती है। मैं बात कर रहा हूँ फरहीन नामक बालिका की, जो एक मुस्लिम समाज से आती हैं। इस समाज में सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग बच्चियों की पढ़ाई पर बंदिश लगा के रखते हैं। लेकिन फरहीन के माँ बाप उसके पंख को खोल कर रखा और उसे उड़ने दिया अपने मन के मुताबिक, जिसका परिणाम यह हुआ कि फरहीन ने मुस्लिम समाज को यह बता दिया कि सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप जीतने की जिद पाल ली तो आपकी जीत सुनिश्चित है। किसी विचारक ने कहा था कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जिनके अंदर उस दरवाजे को खटखटाने की कुवत होती है। किसी शायर ने कहा था कि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। फरहीन ने अपनी पढ़ाई कामर से शुरू की और उसने तय किया कि मुझे सीए बनना है। 5 वर्ष की कठिन परिश्रम ने फरहीन 5 साल के कठिन परिश्रम ने फरहीन को सफल बना दिया। फरहीन आज की तारीख में सीए बन चुकी है। फरहीन ने बातचीत के दौरान बताया कि मुस्लिम समाज से होने के बाद भी उनके माँ बाप ने कभी उनके पाँव में बंदिशों की बेड़ियाँ नहीं डाली। फरहीन की माँ बाप उनका हर कदम पर साथ दिया, जिसके चलते उन्होंने आज यह मुकाम हासिल कर लिया। फरहीन की इस कामयाबी पर विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने फरहीन से बातचीत की। आइए सुनते हैं फरहीन ने क्या कहा। सत्ता की एक बेटी ने सीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है और सीए बनने के बाद क्या खुशी होती है, हम सीधे बात करेंगे इस बेटी से कि बेटा बताएं इस बार आप सीए बन गई हैं, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, मेरे को बहुत उत्साह है इस चीज़ का। मेरी 5 साल की मेहनत रंग लाई और मैं अभी सीए क्लियर किया, अभी एग्ज़ाम मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहीन खान है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? 10-12 घंटे, कई बार तो 14 भी हो जाते थे पेपर के समय में। परिवार से किसका ज़्यादा सपोर्ट आपको मिला? मेरे माँ बाप और फिर मेरे, हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारी पूरी परिवार ने हमारा साथ दिया। इन सब के साथ की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और सबसे पहले तो मेरे खुदा का, जिसने मेरा साथ दिया। आपने कहाँ से सीए किया क्लियर? मैं तो सीए की सारी कोचिंग तो सतना से ही कर रही थी, लेकिन आर्टिकलशिप जो होती है वो मैं दिल्ली से करी थी, दिल्ली की एक कंपनी से किया है मैंने। और जब आप सीए का, आपने कैसे सोचा कि हमें सीए बनना है? जब मैंने देखा कि कॉमर्स की फील्ड में सबसे ऊंचा सीए है, तो तभी मैंने ठान लिया कि मुझे सीए ही करना है। और वहाँ तक ऊंचाइयों में पहुँचने की मेरी चाह थी, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। आप जैसी और भी बेटियाँ हैं, एक आप मुस्लिम परिवार से आती हैं, आपको पढ़ाई करते समय कोई परेशानी कि भाई आप मुस्लिम हैं बाहर नहीं निकल सकती हैं? जो कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिन्हें लगता है कि हमारी बेटी बाहर ना निकले, वो बाहर ना जाए और पढ़ाई घर पे ही रह कर के करे, और ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बिल्कुल, मेरे घर वालों ने मेरा हर एक मोड़ पे साथ दिया। मुझे कभी किसी चीज़ में ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ, कभी कुछ रोका नहीं। शायद उसी की बदौलत ही मैं इतना ऊपर जा सकी। और मैं हर परिवार को ऐसा कहना चाहूँगी कि अपने बेटियों का साथ तो देख के देखें वो कितना ऊपर जाती हैं, उनके पंख को काटे ना, उनको उड़ने दिया जाए। क्या और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो पढ़ने और आगे जाना चाहती हैं। बिल्कुल, अपनी मेहनत और लगन से आप बस लग जाइए, एक दिन आप अपने लक्ष्य को तो पा ही लेंगी। ये फरहीन खान जी थी जिन्होंने बताया कि हमने एग्ज़ाम पास किया और हमारे परिवार का हमें पूरा समर्थन रहा और पूरा सपोर्ट रहा। हमारी मम्मी पापा ने और हमारे परिवार के काफ़ी सदस्यों ने हमें
आगे बढ़ने का मौका दिया, सतना से हमें बाहर भेजा, आज हम सीए बन गए हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। सतना से फिरोज खान, विशाल खबर। इसके बारे में तो आदमी अपनी खुशी इस तरह जाहिर नहीं कर सकता कि मतलब कितनी खुशी है, मतलब दिल सीना चौड़ा कर दिया इसने, मतलब पूरे परिवार खानदान पूरा सभी लोगों का, इतनी मेहनत करके इसने तो तपस्या की है अपनी, मतलब पढ़ाई नहीं है तपस्या की है। आप एक मुस्लिम परिवार से हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों को घर से निकलने में बंदी से लगा देते हैं कि बाप बाप मतलब घर में ही पढ़ो, तो वो क्या कहेंगे आप? मैं यही करूँगा कि बच्चों पे विश्वास करना सीखें, और बच्चों पे विश्वास करके उनको जो बनना चाहें उनको पढ़ने देना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। कितना सपोर्ट करते थे बेटी को? बेटी को तो मैं बिंदास बिल्कुल फ्री हैंड, कोई किसी तरह की बंदिश कभी लगाया ही नहीं, जिस तरह अपनी ज़िंदगी जीना हो उसको फ्री हैंड किया था। कितना खुशी आ जाए, मतलब सीना चौड़ा हो गया, आज बिटिया सीए बन के दिखा दी। शिक्षा का महत्व तो क्यों नहीं, पढ़े मैं भी पढ़ा लिखा था तो मैं जानता हूँ कि पढ़ लिख के क्लास में जाते थे इसके पेरेंट्स मीटिंग में तो टीचर लोग बोलती थी ऑल सब्जेक्ट में ये लड़की बहुत तेज है, तो इस चक्कर में घर वाले का सब पैसा नहीं था अपने पास इसको पढ़ाने के इतना, मगर फिर भी आदमी ये भी घर वाले भी सपोर्ट करी किया तो नहीं हम भी मजदूरी करेंगे मगर अब तो बिटिया को पढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे तो मैडम लोग बोलती थी कि तो बिटिया सब सब्जेक्ट में तेज है, तो मतलब एक हौसला आर्थिक स्थिति में उस तरह नहीं थी कि पढ़ा सके, मगर फिर भी आदमी कर्ज ले लेके चाहे जिस तरह भी हो बच्चे को पढ़ाया। अपने को बहुत खुशी है, बहुत मतलब इसको अपन बयां नहीं कर सकते इतनी खुशी है। क्या नाम है? मोहम्मद याकीन खान, मारुति ट्रू वैल्यू में सेल्स में हूँ। बच्ची ने सीए बन गई है और आपको आज कितनी खुशी है? आप एक शिक्षक हैं, कितनी खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी है, हमारा शुरू से यही लक्ष्य था, मैं अपनी लड़की को कुछ बनाऊँगी और उसको आज बना के दिखा दिया, मेरे को बहुत खुशी है। मैं हर इंसान को बोलूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं और उनका सपना पूरा। जब ये घर में पढ़ाई करती थी, घर में पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी और क्या आप इसको कहती थी जब ये मान लो खेलने चली जाती है, नहीं पढ़ाई कर रही या इसका मन थोड़ा सा हो जाता? मैं अपनी बच्ची को कभी कुछ नहीं करी, ना बोली उसको कि पढ़ो, वो अपने से पढ़ी है, जब भी पढ़ी है, मैं उसको आज तक किसी चीज़ को फोर्स नहीं करी। आप एक मुस्लिम परिवार से आती हैं, मुस्लिम परिवार में बच्चियों को बहुत सारी बंदिशें लगा दी जाती हैं कि बच्ची जब बड़ी होती है तो बाहर ना निकले, पढ़ाई में करने में उसको दिक्कत होती है, आपने अपनी बच्ची का कितना सपोर्ट किया है और अपने समाज को और जो भी इस तरीके की बच्चियाँ आगे पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, उनके माँ बाप को क्या संदेश देना चाहिए? वही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने जो बच्चे पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनको पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? बिल्किस बानो। यदि आपके आसपास इर्द गिर्द भी कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से वह मुकाम हासिल किया है जो आसान नहीं होता, हम ऐसे कामयाब लोगों की कहानी विशाल खबर के माध्यम से जनता तक ले जाना चाहते हैं जिससे अन्य लोगों में भी कामयाबी और सफलता का जुनून पैदा हो सके। तो उठाइए फ़ोन और घुमाइए नंबर 8109044656। हमारा संवाददाता आपके दरवाजे पर होगा और जानेगा आपकी कामयाबी की कहानी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी खबरों को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम में भी विशाल खबर को लॉगिन कर सकते हैं।